हो सकता है पटना अगला टूर कब हो, तो आज मैं पटना वालों एक चीज आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, करना तो पड़ेगा, इसको आप आज करो, एक साल बाद करो, पांच साल बाद करो, दस साल बाद करो, बीस साल बाद करो, पचास साल बाद करो, आप ना करें आपके बच्चे करें, करना तो पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने इसकी नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं की। अभी किसी ने कहा था ना, 60 साल पहले ये कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, इंडिया में आया 1994 में, इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो 1994 में जब वित्त मंत्री थे, वो अमेरिका टूर पर गए थे, कहानी सुनना इस डीएसएम का इंडिया में कब जन्म हुआ। वो वित्त मंत्री थे, अमेरिका टूर पर गए थे, तो अमेरिका में उन्होंने देखा हर आदमी के पास पैसा, तो उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से कहा आपका देश हमारे बिहार से छोटा है, फिर यहां लोगों के पास इतना पैसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे यहां एक सिस्टम चलता है, जो भी आदमी अपनी जरूरत का जो भी खरीदता है उसका 45 उसकी जेब में रिटर्न आ जाता है अगले महीने। तो उन्होंने कहा क्या यह सिस्टम भारत में नहीं चल सकता? उन्होंने कहा चल सकता है, लेकिन इसको किसी ने अनुमति नहीं दी, आप वित्त मंत्री हो आप अनुमति दे दो। तो मनमोहन सिंह जी ने बड़े आश्चर्य में पूछा अगर मैं इस सिस्टम को भारत ले जाऊं क्या मेरा भारत आपके देश की तरह अमीर बनेगा? तो अमेरिका गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सुनना, उन्होंने क्या कहा, मनमोहन सिंह जी आपका भारत बहुत बड़ा है, अगर भारत का आदमी इस कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आपका भारत अमीर नहीं वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। अब प्रश्न आता है बना क्यों नहीं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल गया, 1994 लंबा टाइम निकल गया, क्यों नहीं बना? मैं बताऊं क्यों नहीं बना, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस पर उस समय कोई कानून नहीं ला पाए, अगर उस समय इस पर कानून आ जाता तो आज भारत का नक्शा चेंज होता। अच्छा वो कानून क्यों नहीं लाए, उनकी भी गलती नहीं है, वो भारत के थे, उनको पता था भारत में 10-15 साल बगैर कानून के काम चलता है, नहीं है इसलिए वो लाए, नहीं लाए तो इसकी आड़ में गलत चीजों ने जन्म लिया, बहुत सारी स्कीम आई भारत में, तभी तो लोग इसके बारे में गलत सोचने लगे। कैसी कैसी चीजें आई, तू 5,000 दे उससे 5 दिला, उससे 5 दिला तेरे को 2 आ जाएंगे, तू इतने जमा कर 3 साल बाद 3 गुना मिलेगा, बहुत चीजें, उन चीजों ने इस सिस्टम को बदनाम किया। थैंक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का जो इसको इंडिया में लाई, थैंक्स इस गवर्नमेंट का जिसने अक्टूबर 2016 को इसको कानून दिया, आज ये सिस्टम कानून में है, और जो चीज कानून में आ जाती है उससे आप छिप सकते हो, भाग सकते हो, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। इसीलिए तो कहावत है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जबकि हाथ तो इतना ही लंबा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो आना तो पड़ेगा क्योंकि कानून में, हेलमेट पहनते हो आप? Yes. कानून में है ना इसलिए? Yes. और ये तो कई साल से है? Yes. और अभी 3-4 महीने से तो सब ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया ये 4 महीने में? कानून सख्त हो गया, कानून में तो बहुत साल से, लेकिन अभी 4 महीने से सख्त हो गया, ये कानून में तो आ गया है, बस सख्त नहीं है, जिस दिन सख्त होगा आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरे को 17 साल हो गए भारत में बात करते हुए, मेरा एक दर्द है क्या वो तो व्यक्त करूं? भारत के आदमी को इतना समझाना क्यों पड़ता है? 17 साल से एक ही चर्चा है, ये हमारे सीनियर हर मीटिंग में एक ही बात करते हैं, अभी आपको प्लान दिखाया, ये कस्टमर, ये कंपनी, बीच के लोग, इनको हटा दिया गया, प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलेगा, ओरिजिनल की गारंटी होगी, मार्केट से रीजनेबल रेट होगा, हमेशा स्वस्थ रहोगे, यही बात हर महीने करनी पड़ती है। दर्द है ये मेरा, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है? आप पिछली मीटिंग सुन के गए, आज फिर आए, अगले महीने फिर आ
पाओगे, इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया। फिर अगले महीने और ये आपका हिसाब से कर रहे हो, कब समझेंगे? ये दर्द है मेरा। जबकि आप देखना भारत में पशु पक्षी जल्दी समझता है, यहां आदमी को टक लगता है। थोड़ा करेंगे पिक्चर क्लियर। एक बार एक आदमी टोपियां बेचता था गर्मियों में, यू नो कैप, गर्मी से बचने के लिए। गांव गांव जाता था साइकिल लेके, बड़ी मेहनत करता था, थैले में कैप भर के रखता था, गांव गांव चिल्लाता था टोपियां ले लो। कुछ लोग खरीदते थे, बाकी नहीं खरीदते थे। एक दिन उसको ज्यादा सख्त जरूरत थी पैसों की, कई गांव गया, थक गया, गांव के बाहर निकला तो उसको लगा आराम कर लूं, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसकी नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो क्या देखता है, थैला रखा है, टोपियां गायब है। बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद आवाज सुनी, ऊपर बंदरों की आवाज, ऊपर देखता है सारे बंदर टोपियां लगाए बैठे। तो उसने उठाया पत्थर, फेंक के मारा। अब बंदर तो बड़ा चंचल जानवर होता है, वो इधर भाग गया, इधर भाग गया, टोपियां ना दी। एक घंटा परेशान होते हुए हो गया। एक घंटे बाद रवि जी जैसा कोई समझदार व्यक्ति उस सड़क से निकल रहा था। उसने रवि सर को कहा, सर मेरा हेल्प करो ना, टोपियां दिलानी है। तो रवि जी ने कहा, तू पागल है, ये बंदर नकलची जानवर होता है। जब तू सोया था ये सोचकर आए थे थैले में कुछ खाने का होगा, ये खाली करते गए, खाने का नहीं मिला, फिर इनको लगा इतनी टोपियां किस काम आती है, तो तू लगाए सो रहा था, इनको लगा ये लगाने के काम आती है, सब लगा लगा के बैठ गए। तो तू एक काम कर, अपनी उतार इनको दिखा, फेंक दे, ये तो नकल चीज है। तो जैसे उसने उतार कर फेंकी, सारे बंदरों ने फटाफट फेंक दी, बोले अब काम की नहीं है। तो उसने थैले में इकट्ठी की, रवि जी को थैंक्स बोला और वो घर चला गया। उसके 20 साल का एक लड़का था, लड़के को बोलता, बेटा मेरे साथ आज ऐसा हो गया, लेकिन मेरे बाद जब ये टोपियों का कारोबार तू शुरू करेगा तो तेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो तू घबराना मत, ये बंदर नकलची जानवर होता है। उसके पिताजी का देहांत हो गया, दुनिया छोड़ गए, बेटे ने कारोबार चालू किया। एक दिन बेटा पेड़ के नीचे सोया था, नींद खुली, टोपियां गायब थी, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ। क्यों? पिताजी समझा गए। तो उसने क्या किया, टोपी उतारी, दिखाई, फेंकी। जैसे उसने फेंकी, एक छोटा सा बंदर का बच्चा इस घटना को देख रहा था, उसने मारा जंप, इसकी भी उठाई, लगाई सर पे, वो भी पेड़ पर। तो ये टेंशन में आ गया, पिताजी तो कुछ और समझा गए थे, ये तो कुछ और हो। तो वो बंदर के बच्चे को देखता है, बंदर का बच्चा उसको देखता है, और बंदर का बच्चा अपनी लैंग्वेज में उस व्यक्ति को बोलता है, बेवकूफ क्या समझता है, तेरे पिताजी तेरे को समझा दे। इस बार हमारे पिताजी भी कह गए, बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। तो मेरा दर्द ये है, बंदर समझ गए, और मैं आगे नहीं कह रहा, बंदर समझ गए। हम कब समझे? समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? ये समय बदल रहा है, परिवर्तन इस संसार का नियम है। मैं आज थोड़ा सा आपको कोई दर्द पहुंचाने नहीं आया, लेकिन मैं सच्चाई बताने आया हूं। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। अभी आप देख रहे हो देश थोड़ा मंदी के दौर पे, देश मंदी के दौर पे नहीं है, देश गेर बदल रहा है। और जब गाड़ी गेर बदलती है तो आवाज आती है। अभी ये देश टेक्नोलॉजी